हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का वर्कबुक का लेसन नंबर 3 है, जो अध्याय नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। तो इसका जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है, उसमें हमने 41 नंबर पेज तक कर लिया है। आज हम 42 नंबर पेज से इस वीडियो का तीसरा पार्ट है जो शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम 42 नंबर पेज के इस 13 नंबर पेज से हम शुरू करते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 13 नंबर सम में, जो उपयुक्त चतुर्भुजों में भुजाओं की के एक एक समांतर जोड़े पैरेलल लाइंस के नाम लिखो। तो इसमें अगर हम देखें, ए बी के पैरेलल, जो ये डी सी है ये पैरेलल है, ये यहाँ पर लिख दिया ए बी पैरेलल डी सी, और दूसरे में पी क्यू के पैरेलल, ये भुजा एस आर है तो हमने पी क्यू पैरेलल एस आर लिख दिया। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो उसे समलम्ब कहते हैं। मतलब एक जोड़ा समांतर हो और एक नया समांतर हो, जैसे यहाँ पर ये समांतर नहीं है तो इसको हम समलम्ब कहते हैं। अगला 14 नंबर प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है समांतर रेखाओं के गुणों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए चित्र में निम्न को बिना मापे ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक नंबर कोण हमने ज्ञात करना था, ये वाला एक नंबर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक सरल रेखा है और इस पर जो ये एक लाइन है ऐसे है, पहले बच्चों इस तरह ये लाइन इस पर लगी हुई है। तो ये दोनों जो कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, ऊपर वाला हमें 70 दिया है। तो अगर 180 में से 70 को माइनस कर दें तो ये वाला जो कोण है हमारे पास 110 डिग्री का आ जाएगा। यानी जो एक कोण है, एक नंबर कोण है जो 110 डिग्री का आ जाएगा। इसके बाद अगला जो हमसे पूछा गया है, दो नंबर कोण। तो दो नंबर कोण अगर हम देखें तो ये एक तिरक रेखा है और ये दोनों समांतर रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये 70 का है तो दो भी 70 का होगा। तो ये दोनों दो बराबर मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया है, कोण दो बराबर इसका नाम लिख दिया है बी ए एल, यानी ऐसे जेड बन रहा है ये। अगर हम देखें तो ये कोण जो है इसके बराबर होगा, तो यानी दो कोण भी 70 डिग्री का होगा। इसके बाद कोण नंबर तीन 110 डिग्री का आएगा, क्योंकि एक और तीन जो हैं ये वाले दोनों कोण सम्मुख कोण हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए जितना एक कोण हमारा 110 का आया है, तीन भी 110 का होगा। इसके बाद आगे में यहाँ पर मैंने कारण भी लिख दिए हैं, आपने बारी बारी से देख लेना है। इसके बाद अगला है चार नंबर कोण। तो ये चार नंबर कोण है जो ये 70 डिग्री का आएगा। अगर हम चार कोण और इसको देखें, एक को एक के ऊपर वाले 70 को, तो ये दोनों संगत कोण है। तो चार बराबर इसका नाम मैंने लिख दिया है बी ए एल, बी ए एल चार के बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है, इसीलिए चार 70 डिग्री का है। इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें इनमें से कौन कौन से कोणों का माप समान है। तो अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा है कोण एक बराबर तीन और दो बराबर चार। अगर आप ऊपर चलकर थोड़ा सा देखें तो जो एक है वो तीन के बराबर है, दोनों 110-10 हैं, और दो और चार बराबर हैं, ये दोनों 70-70 के हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है एक बराबर तीन और दो बराबर चार। इसके बाद यहाँ पर आगे पूछा गया है क्यों, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, किन किन कोणों का योग 180 है। तो जो आसन कोण होते हैं, तो यहाँ पर कोण एक और दो का जो 180 होगा, दो और तीन का, तीन और चार का, और चार और एक का, ये जो संगत जो दोनों साथ वाले जो कोण हैं इनका सभी का योग 180-80 होगा, जैसे चार और तीन का। तो इस तरह आगे हमें पूछा है क्यों, क्यों तो क्यों में हम लिख देंगे ये कौन से कोण हैं, आसन कोण हैं, इनको जो साथ वाले होते हैं आसन कोण कहते हैं। आगे पूछा गया है कौन कौन सी भुजाओं के माप बराबर हैं लिखो। तो यहाँ पर जिस भुजाएँ जो हैं बराबर हैं उनको हमने लिखना है, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। तो ये जो है सम्मुख भुजाएँ ए बी बराबर डी सी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है, सम्मुख भुजाएँ आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सम्मुख भुजाएँ बराबर लिख दी हैं तीन नंबर दो नंबर के ऊपर यहाँ पर। और उसके बाद पूछा चतुर्भुज ए बी सी डी को तुम क्या नाम दोगे। तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसके सम्मुख कोण बराबर हैं और सम्मुख भुजाएं भी बराबर हैं। आइए अब 43 नंबर पेज करते हैं। अब आगे लिखा हुआ है हमें
क्या इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण के माप बराबर हैं? तो हम लिख देंगे नहीं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्या दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? तो हाँ प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है ये जो विकर्ण हैं जो दोनों ये जहाँ पर काट रहे हैं यहाँ पर ओ बिंदु पर, यहाँ पर ये बराबर जनी जितना जे है इतना ही दूसरी साइड में हो। इसी तरह ये जितना है ए से, मान लीजिए ए है, ए ओ जितना है उतना ही ओ बी यानी ये वाला पार्ट होगा, तो ये बराबर समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है निम्न चित्र में x के किस मान के लिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज बन सकता है। तो x की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री लिख दें यहाँ पर, तो ये जो है एक सम चतुर्भुज बन सकता है, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 के कोण पर लंब समद्विभाजित करते हैं। अब अगर देखिए हम ये जो ए से एक्स तक ये वाली भुजा है जो 4 है और ये 3 है, तो इस तरह हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। यानी जो ए बी है कर्ण है, इसका वर्ग है जो ए 4 और 3 के वर्ग के जो है अंडर रूट के बराबर होगा, यानी दोनों का वर्ग 25 आ जाएगा और ये ए बी के वर्ग के बराबर होगा, और ए बी की वैल्यू जो है अगर हम देखें तो 5 आ जाएगी। तो इस तरह जो दूसरी भुजाएं हैं ए डी बी सी और सी डी, ये भी 5-5 आ जाएंगी, तो ये जो है सम चतुर्भुज बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है समस्या सुलझाओ। तो रीमा कहती है सभी सम चतुर्भुज वर्ग होते हैं। मोहिनी कहती है नहीं, सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, तुम किससे सहमत हो? तो वर्ग में सभी कोण समान व चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग में ये कहती है सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, चतुर्भुज सम चतुर्भुज के सभी कोण समान व भुजा बराबर होती है, तो वर्ग भी एक सम चतुर्भुज है। तो इस तरह अगर हम देखें तो रीमा गलत है, मोहिनी का उत्तर सही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग सम चतुर्भुज होता है, क्योंकि उसके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। अब आगे यहां पर हमें लिखा हुआ है 17 नंबर में, नीचे दिए गए तथ्यों को समझो और बताओ कि x के किस मान के लिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर हमें जो इसकी तीन भुजाएं ए डी बराबर 8, ए बी बराबर 8, ई सी बराबर 9, ये भुजाएँ दी हुई हैं, और हमें ई ए जो है ये वाली जो इसका विकर्ण है ई ए हमें नहीं दिया हुआ। तो इसके अंदर वाले जो दूसरे विकर्ण के भाग हैं, ई डी हमें जैसे 8 दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया, ई बी 8 दिया हुआ है, ई सी हमें 9 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, विकर्ण जो हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज के, तो एक्स की वैल्यू भी जितनी ये है ऊपर वाला विकर्ण सी ई सी है उतना ही 9 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, कारण में आपने ये लिख देना है। अब आइए अगला जो 44 नंबर पेज है, इस पर देखते हैं यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए बी 6, ए डी 10, डी सी 6, तो बी सी हमने ज्ञात करनी है। तो मैंने उस डायग्राम को यहाँ पर थोड़ा सा बनाया है। तो सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं, तो हमें जो ए डी है जो दी हुई है 10, तो बी सी भी ये नीचे वाली सम्मुख भुजा है ये भी 10 होगी, तो हमने यहाँ लिख देना है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं। इस तरह अगर हम अगला देखें तो कोण जो x है एक है, x दिया है 3, 40 जो 5 है, 50 दिया है, 7 जो है 40 दिया है। तो इस अगर डायग्राम में हम देखें, जो ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसमें अगर आप देखें तो 5 और 1 कोण बराबर हैं, ये एकांतर कोण है, तो इसकी वैल्यू भी यानी यहाँ पर 50 आ जाएगी x की वैल्यू। इसके बाद अगला जो है डी बी बराबर 12, ए ई 5, ई सी 5, डी एक्स हमने ज्ञात करनी है। तो अगर हम इस चित्र में देखें तो जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो जो एक्स की वैल्यू है डी बी जो हमें पूरा विकर्ण 12 दिया है, तो इसका आधा डी ई एक्स यानी 6 आ जाएगा, 12/2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसमें यहाँ 5 नंबर में लिखा हुआ है 8+7 103 और 4 हमने ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो 3 और जो 3 और 4 का योग है वो 100 आ जाएगा। तो इस तरह आगे हम अगला प्रश्न है जो 17 नंबर, इसमें लिखा हुआ है आकृतियों को देखो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये हमें 1, 2, 3, 4 आकृतियाँ जो दी हुई हैं इनको हमने देख कर उत्तर देने हैं। तो आइए अगले पेज पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कौन कौन सी आकृतियाँ जो हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज
हैं। ये जो पहला प्रश्न है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, तो इसमें हमें ये पूछा गया है कि कौन कौन सी आकृतियाँ समांतर चतुर्भुज हैं। तो आकृति दो और चार, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो आकृति दो है ये जो है इसके विकर्ण जो हैं परस्पर संधि विभाजित कर रहे हैं और समुख भुजाएं बराबर हैं। तो एक दो आकृति और एक ये चार नंबर आकृति है जो इसमें भी समुख भुजाएं बराबर दी हुई हैं, तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन कौन सी आकृतियाँ समांतर चतुर्भुज नहीं है? तो आकृति एक और तीन, दो और चार हैं और एक और दो तीन नहीं है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, जो आकृतियां समांतर चतुर्भुज नहीं है उसके विषय में आप दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखो। तो जो आकृतियां समांतर चतुर्भुज नहीं, आकृति एक के समुख कोण बराबर नहीं है और तीन के संगत कोण या समुख कोण बराबर नहीं है। तो इसके बाद अगला जो प्रश्न है छः नंबर, इस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चतुर्भुज के गुणों के आधार पर दी गई सारणी को पूरा करो। चतुर्भुज का नाम समानता असमानता, तो जो समांतर चतुर्भुज और समलंब है इनमें समानता क्या है? चारों भुजाएं और चार कोण होते हैं और समलंब की समुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर नहीं होता, जबकि समांतर चतुर्भुज के दोनों समुख भुजाओं के समान व समांतर होते हैं। आयत व समांतर चतुर्भुज में समानता है, समुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं, परंतु जो आयत के सभी कोण हैं 90-90 के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90-90 के नहीं होते। अगला प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है 20 नंबर में, नीचे दी गई आकृतियों प्रत्येक आकृति को वांछित आकृति में बदलने के लिए एक परिवर्तन उसके सामने लिखो। अगर आयत से हमने वर्ग बनाना है तो जो आयत होता है प्यारे बच्चों उसकी जो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। आयत के सभी कोण 90-90 के होते हैं जैसे वर्ग में होते हैं। अब अगर हमने इसको आयत को वर्ग बनाना है तो इसकी चारों भुजाएं हमें बराबर करनी होंगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आयत की चारों भुजाएं समान करनी होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई। इस तरह समलंब से अगर समांतर चतुर्भुज बनाना है तो समलंब में प्यारे बच्चों एक जोड़ा समांतर होता है जबकि समांतर चतुर्भुज में दोनों, तो हम लिख देंगे जो समलंब की असमांतर भुजाओं का जोड़ा है उसको समांतर करना होगा। इसके बाद अगला है जो समचतुर्भुज से आयत, तो समचतुर्भुज से आयत बनाने के लिए क्योंकि आयत के सभी कोण 90-90 के होते हैं तो हमें समचतुर्भुज के भी प्रत्येक कोण को 90 का करना होगा। नीचे दी गई सारणी में चतुर्भुज के विभिन्न विशेषताओं को दर्शाया गया है, ये विशेषताएं जिन जिन चतुर्भुजों के लिए लागू होती हैं उनमें सारणी के सामने चिन्ह टिक का चिन्ह लगाओ। तो जैसे यहाँ चतुर्भुज की विशेषताएं लिखी हैं, यहाँ समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब, वर्ग, आयत ये लिखा हुआ है। तो जैसे चारों भुजाएँ समान होती हैं तो चारों भुजाएँ जो हैं वर्ग में समान होती हैं, यहाँ टिक लगा हुआ है। इस तरह जो अगला है, विकर्ण एक दूसरे को संधि विभाजित करते हैं, तो जो विकर्ण संधि विभाजित करते हैं वो समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग और आयत में करते हैं, समलंब में नहीं। तो आसन कोणों के जोड़े का योग 180 डिग्री होता है, ये सभी में होता है पर समलंब में नहीं। इसी तरह समुख भुजाओं का एक जोड़ा समान और समांतर होता है, तो ये जो है ये सभी में होता है, यहाँ पर सभी में टिक लगा दिया। तो समान विकर्ण हैं जो पहली तीन आकृतियों में नहीं होते, और जो चार और पाँच नंबर पर वर्ग और आयत है इसमें जो समान विकर्ण होते हैं, चारों कोण समकोण, तो ये भी आयत और वर्ग में होते हैं। समुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर लेकिन समान नहीं, तो ये है जो समलंब में होता है, दूसरों में आपने क्रॉस लगा देना है। समुख कोण बराबर, तो समुख कोण बराबर सभी आकृतियों में होते हैं समलंब को छोड़कर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है समुख कोण बराबर, तो समलंब में क्रॉस लगा दिया, बाकी में टिक। अगला है समुख भुजाओं के दो जोड़े समांतर, तो ये समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, वर्ग और विकर आयत में होता है, समलंब में नहीं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर संधि विभाजित करते हैं, तो ये जो है विकर्ण जो एक दूसरे को समकोण पर संधि विभाजित करते हैं, तो ये समचतुर्भुज और आयत और वर्ग में होता है। समुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर और समान हैं, तो ये समचतुर्भुज और ये जो है दूसरा हमारा वर्ग इसमें होता है। तो इस तरह ये जो लेसन है आपका तीसरा पूरा हो गया है प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।